सीधे चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर जानेंगे कि आज कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में रहने वाली है। जी गब्बर जी, बताएं आज कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में रहने वाली है। जी वर्षा जी, देखिए बिल्कुल बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में विशेष तौर से कहा जाए कि इलेक्शन हो चुका है और जो मतपेटियां हैं वो स्ट्रांग रूम में रखी हुई है, उनकी लगातार सुरक्षा निगरानी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चूंकि 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं, राजस्थान में आज शाम को कहा जाए चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ताबड़तोड़ सभाएं हैं वहां पर। और मुख्यमंत्री जिस तरह से कहा जाए कि मध्य प्रदेश में अपनी सभाएं करते हैं, दौरे करते हैं, जनसभाओं में भाग लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या यूं कहें तो रोड से करते हैं, वैसे ही उनका राजस्थान में भी कहा जाए कि चुनाव प्रचार देखने को मिला है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभाओं के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसी के साथ में उन्होंने राजस्थान सरकार पर भी कहा जाए कि हमला किया था और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का दावा किया था। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दूसरा दिन है राजस्थान का, और दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे। हालांकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, चुनाव प्रचार थम जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने दिग्गज उतारे हुए राजस्थान तेलंगाना में। इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 तारीख का सभी के लिए इंतजार है कि वो 3 तारीख कब आएगी और कब मतगणना होगी, और जो पार्टियां हैं या यूं कहें कि इलेक्शन कमीशन का जो नतीजा है वो कब आएगा। हालांकि इधर दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने, निर्वाचन आयोग ने सख्त आदेश दिए हैं मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर्स के लिए कि दिन में करीबन 2 बार जो स्ट्रांग रूम है उस स्ट्रांग रूम का दौरा किया जाए, निरीक्षण किया जाए और वहां की जो व्यवस्थाएं वो देखी जाए। इधर दूसरी तरफ अगर हम हाईकोर्ट की बात करें, हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है पूरे मध्य प्रदेश में चेकिंग अभियान का, विशेष तौर से राजधानी भोपाल में करीबन आधा दर्जन से जगह चेक पॉइंट लगाए गए हैं। इन चेक पॉइंट पर कहा जाए कि जो पुलिसकर्मी है, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, वो वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। 2 पहिया 4 पहिया वाहन है, उन वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जो सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए या हेलमेट नहीं है या फिर जो उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो इनको लेकर के चालानी कार्रवाई की जा रही है। इधर कांग्रेस ने भी अपना एक बड़ा कार्ड खेला है और मतगणना को लेकर के तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी विशेष तौर से कमलनाथ के आदेश पर कल संगठन प्रभारी है राजीव की, उन्होंने एक पत्र जारी किया है और वो पत्र पूरे 230 विधानसभा के जो प्रत्याशी उनके लिए भेजा गया है। 26 तारीख को राजधानी भोपाल के जो टीसीसी कार्यालय है यहाँ पर इस कार्यालय में सभी प्रत्याशी मौजूद होंगे। इसी के साथ में जो मतगणना में 2 लोग रहेंगे, यानी जो प्रत्याशी और प्रत्याशी के साथ में 2 लोग और रहेंगे मतगणना में, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बुलाया गया है। कुल मिलाकर के कहा जाए 26 तारीख को जमघट लगने वाला है भोपाल में जो कांग्रेस कार्यालय, यहाँ पर जो कांग्रेस की लीगल टीम है, एक्सपर्ट है और जो बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो उनके लिए ट्रेनिंग देंगे कि मतगणना पर किस तरह से काम करना है और किस तरह से निगरानी रखना है जो मतगणना होगी 3 तारीख को, क्योंकि ऐसा आदेश आया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें बीजेपी कुछ हेर फेर करवा सकती है। तो इसको लेकर के कहीं कोई दिक्कत ना आए, कहीं कोई परेशानी ना हो और कहीं कोई फर्जीवाड़ा ना निकल के सामने आए, मतगणना में कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं आना चाहिए, तो इन सारी चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो और उनके दो जो कहा जाए समर्थक रहेंगे जो मतगणना में, इन लोगों को भोपाल बुलाया जा रहा है। और वह भोपाल में जो कांग्रेस की लीगल टीम है, ये टीम इनके लिए प्रशिक्षण देगी, ट्रेनिंग देगी कि किस तरह से काम करना है, इसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी तैयारियां कर रही है। जी जी गब्बर जी, आपका तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत